ओम शांति। वक्त सुनहरा, बहुत अच्छे शब्द है ना, सुनहरा वक्त, सुंदर वक्त। याद करेंगे, याद रखा करेंगे, हमारे सुनहरे दिन आ रहे हैं, आ भी गए हैं, आ रहे हैं। बाबा की बड़ी बातें की, जिसको भगवान का साथ मिला वो तो बहुत भाग्यवान है। जिसने कह दिया जब भी तुम बुलाओगे मैं दौड़ा चला आऊंगा, बहुत अच्छे शब्द हैं गीत के, फायदा उठाएंगे इस समय का हम सभी, अकेले नहीं। आज दो बातों पे चर्चा करेंगे, आज की मुरली पे पहुंचो सवेरे, मुरली का सार, तुम्हें घर चलना है, इस कांटों की दुनिया को क्या हो जाएगा। बड़े छोटे से शब्द बोले भगवान ने, कांटों की दुनिया को आग लगनी है, तुम्हें घर चलना है, इसलिए इसलिए कहीं भी ममत्व न रहे। एक ही लहर थी, देह में ममत्व नहीं, दैहिक दृष्टि नहीं, नहीं तो बुरे विचार आएंगे। देह की दुनिया पदार्थ इन सब में ममत्व नहीं, क्योंकि छोड़कर जाना है, जो ये दुनिया है इसको छोड़कर जाना है। जाना है, बोलो सच सच बताओ। जब आप मधुवन में सेवा करके जाते हो तो क्या होता है जाने के समय, बताओ। एक तो यहां से छोड़ने का मन नहीं, और यहां से बाहर निकलते ही वो घर सामने जहां जा रहे, दो बातें होंगी ना। शायद हम भी संसार से जाने वाले हैं, छोड़ने का मन तो नहीं करता, पर छोड़ना तो पड़ेगा। महामत्व तो बहुत है, सबसे बड़ा पेपर ही वो है। देह से भी मोह है, वस्तुओं से भी मोह है, और दुनिया से पदार्थों से तो है ही। करेंगे तैयारी जाने की, बोलो। माताओं से पूछता हूं, नहीं करेंगे तो समय कराएगा, और जाना तो पड़ेगा ही। बाबा पूछ लेता है ना, व्यक्ति मुरली में था, एवर रेडी हो, सभी कहते हैं ले चलो हम तो चलने को तैयार हैं, पर इसको एवर रेडी नहीं कहा जाता। चारों ओर से बंधन टूट गए हों, आत्मा सहज जाए, अन्यथा भगवान बुलाएगा भी जा नहीं पाएंगे। देह का बंधन, संबंधों का बंधन, पदार्थों का बंधन जाने ही नहीं देगा, क्योंकि आत्मा तभी जा सकेगी जब बिल्कुल शांत हो जाए। यहां से शांत होना सहज नहीं होगा अंत में। तो हम एक तो ये याद रखें कि सब कुछ छोड़कर, बोल नहीं रहे, बोलो भाई लोग, सब कुछ छोड़कर, भारी काम है ना, भगवान भी क्या संदेश ले आया, परेशानी होती है ऐसा काम। यही सुखी कर देता बच्चों के साथ तो कितना अच्छा होता, बच्चों को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, कैसा लगेगा। संसार में जो कुछ देखते हैं, आज भी कहा और पहले भी था, ये सब नहीं रहेगा। तैयारी प्रकृति भी कर रही है, और एटम बम भी तैयारी करेंगे, कर ली है, बस खेल समय आने की इंतजार है। और समय कब आएगा, बाबा ने दो बातें कही हैं, एक जब तुम तैयार हो जाओगे, दूसरा जब जब तुम्हारी राजधानी तैयार हो जाएगी, देवकुल की सभी आत्माएं भगवान से मिल लें, तो समय तेजी से बदलता जाएगा,
वरदान पर हम चर्चा करेंगे। वरदान था, देखो किसको याद आता है, परिवर्तन नहीं, निर्विघ्न करने वाले, स्वयं को भी निर्विघ्न, दूसरों को भी निर्विघ्न। खुद निर्विघ्न नहीं होंगे, कोई माता विघ्न लेके आए तो क्या कहेंगे, मेरे साथ भी यही हो रहा, उसे थोड़ा हल्का तो कर देंगे, तुम अकेली नहीं हो, मेरे साथ भी यही हो रहा, तो विधि बता दें कुछ। वो तब होगा जब हमने लंबा काल निर्विघ्न जीवन जिया होगा। आज थोड़ा गहराई से चर्चा कर लें, निर्विघ्न जीवन कौन जीते हैं। विघ्न तो आ रहे हैं, विघ्नों की कोई कमी दुनिया में नहीं है, पर हमें कैसे लगे कि हमारा जीवन निर्विघ्न है। एक सुंदर बात सुन ले पहले बाबा की, जो लंबा काल निर्विघ्न रहेंगे वही दूसरों के लिए विघ्न विनाशक बन जाएंगे। विघ्न विनाशक बनने वालों के पुण्य बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए लंबा काल यानी पूरा जीवन हम निर्विघ्न रहें। लगन की अगन में विघ्न जलकर नष्ट हो जाए। कौन सी लगन? परमात्म लगन। आज था ना ये, अर्थात उससे योग लगाने की लगन, उसके प्यार में मगन होने की लगन, घर जाने की भी लगन। देखो यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, हो तो अभी भी रहा, मेडिकल वालों को निकालना था वहां से, सबको कितनी लगन थी अपने देश में जाएं। पाकिस्तान वालों ने भी झंडे ले लिए, तिरंगे, सब निकल आए, जाने की भी लगन, संपूर्ण बनने की लगन। लगन के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। हमें बाबा से बहुत कुछ प्राप्त करना है, इसकी भी लगन। हमें सर्वशक्ति संपन्न बनना है, इसकी लगन। अभी निर्विघ्न जीवन किसको लगेगा अपना? विघ्नों की दुनिया में हम रह रहे हैं, चारों ओर विघ्नों की, विकारों की, पापों की जैसे अग्नि जली हुई है, पर सेक किसको नहीं आएगा? कुछ लोग अग्नि तपस्या भी करते हैं दुनिया में, हमारे गांव के पास भी एक कर रहा है अभी, चारों ओर आग जलाएगा, वो उपले होते हैं ना गोबर के, 5,000 खरीद लिए उसने, 5,000 कई दिन तक जलेंगे और वो बीच में बैठ के अपनी साधना करेगा। क्या रहस्य है इसमें? अग्नि का प्रभाव उस पर नहीं आएगा, मंत्र शक्ति से वो उसको ऐसा बांधेगा कि अग्नि तो चारों ओर जलेगी, कोई बहुत दूर नहीं, थोड़ा दूर पे, समझो 3 फुट इधर, 3 फुट इधर, 3-3 फुट के घेरे में, लेकिन आंच सेक उसको नहीं आएगी। ये सिद्धि होती है। एक हमें भी कलयुग की आंच ना आए विघ्नों की, विकारों की, पापों की। अग्नि है ये, कैसा हमारा स्वभाव हो, जो सरल स्वभाव वाले होंगे। अब अपने को चेक करते चलेंगे, देखते चलें, विघ्न तो सब जगह है, मैं एक ही विघ्न ले लूं, बीमारी कुछ ना कुछ सबके साथ है, किसी को थोड़ी ज्यादा भी है, कैंसर का जमाना आ गया, बहुतों को होने लगा है, मानसिक रोग होने लगे हैं। जो सहज भाव से रहेंगे, लिखने वाले लिख लो, उनकी बीमारियां, उनके विघ्न भी सहज चले जाएंगे। अपने स्वभाव को सरल स्वभाव बनाना है,
सहज भाव से लेना है सब कुछ, इजी नेचर, सरल चित्त, हर चीज को हल्के रूप से लेना। ये क्यों हो गया, ये नहीं होना चाहिए, अपने को भी गर्म कर लेना, इससे बचेंगे। कौन सा भाव रखेंगे दूसरा, बोलो, स्वीकार करना। जो कुछ इस संसार में होता है, जो कुछ हमारे साथ होता है, उसको स्वीकार करना। जो परिवार के साथ होता है, सब कुछ अच्छा नहीं होता, स्वीकार करना। कुछ चीजों को हम स्वीकार करके छोड़ सकते हैं, कुछ चीजों में हमें कार्य करना पड़ता है। जैसे अभी हमारे वहां यूथ का ग्रुप गया ज्ञान सरोवर में, कई लोग आए होंगे जो मोबाइल के कारण वहां नहीं पहुंच पा रहे, जहां उन्हें पहुंचना चाहिए पढ़ाई में। माता परेशान उनसे कि ये छोड़ते नहीं है मोबाइल, क्या हाल है बच्चों का, छोटे बच्चे बैठे हैं, छोड़ते हो नहीं का, जब से कोरोना हुआ था पढ़ाई मोबाइल से होने लगी, अब मोबाइल ने भटका दिया बच्चों को, और कहीं जाने लगते हैं ना। तो देखो ये समस्या घरों में है, अब इसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। अब है, मोबाइल की जरूरत है, कईयों की इससे आंखें भी खराब हो रही हैं, बुद्धि तो खराब हो ही रही है। अब क्या करें, छोड़ दें बच्चे जो चाहे कर रहे, करने दें, या क्या करें, माताएं बताओ, माताओं की समस्या है ये, इसलिए भाइयों से नहीं पूछ रहा हूं, भाई नहीं सोचते ज्यादा, क्यों सोचते हैं पढ़ना होगा, पढ़ेगा नहीं तो अपने धंधों में लगा देंगे। माताओं को चिंता होती है, उसका बच्चा, इसका बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, हमारा पढ़े, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको IIT में भेजना है, क्या करेंगे, छोड़ दें या क्या करें, उत्तर दो। टाइम लिमिट सेट कर दें, मानेंगे बच्चे, बताओ मानेंगे, जो मान जाए वो अच्छे, वो समझदार बच्चे, और किया है बहुत माताओं ने, टाइम सेट कर दिया, इतना ही देखना है बस। छोटे बच्चों से तो मोबाइल छुड़ाना ही कठिन होता है, वो तो उनके लिए खिलौना है, अगर न दो तो वो तो तूफान कर देते हैं घर में। अब ये समय की कुछ चीजों को स्वीकार करना भी पड़ता ही है, लेकिन अगर समाधान निकाला जा सके, आपके बच्चे अच्छे हैं, समझदार हैं, तो समाधान निकाल लेना चाहिए। कई माताओं ने अपने बच्चों को छोटा फोन दे दिया, पहले वाला, बात करने के लिए केवल, पर आजकल पढ़ाई होने लगी तो सबको ही बड़ा देना पड़ रहा है, टैब देना पड़ रहा है, इसको लैपटॉप देना पड़ रहा है, तो इन चीजों में विघ्न आते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, विघ्नों को विघ्न मानना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। विघ्न तो आएंगे, तब तो हम विघ्न विनाशक बन के पावरफुल बनेंगे ना। विघ्न आए ही नहीं, देखो एक बात मैं कहता हूं, कई लोग आते हैं, हमारे गुरु ऐसे थे, कोई भी समस्या आई गुरु के पास जाते थे, आप ही ठीक कर देते थे, बाबा नहीं करता ऐसा, शिकायत करते हैं। कोई कोई जो कमजोर होते हैं, हमारा गुरु तो बहुत अच्छा था, बाबा तो कहता है बस मेरे से योग लगाओ, बाकी कुछ करता नहीं है। बोलो क्या राज है इसमें, भाई लोग बताएंगे, बोलो, करते हैं गुरु लोगों के पास कईयों की सिद्धि होती है, वो कर देते हैं, बोलो बाबा करता तो है, लेकिन वो हमें बहुत पावरफुल बनाना चाहता है। विघ्न तो तुम्हें दूसरों के नष्ट करने हैं,
इसलिए पावरफुल बन जाओ। गुरु ने एक विघ्न नष्ट कर दिया, अगले दिन दूसरा आ गया, फिर गुरु के पास पहुंच गए वो भी कर दिया, तीसरा भी कर लिया और कभी न जाने को मिला। तो बाबा चाहता है मेरे बच्चे मोस्ट पावरफुल बन जाएं, विघ्नों का उन पे असर ही ना हो। देखो अभी जैसे बहुत गर्मी हो गई, एसी भी बहुत जगह बेकार हो गए, काम करना ही छोड़ दिया, क्या करेंगे? एसी नहीं चल रहा, पंखे से गर्म हवा आ रही है, रात को भी गर्मी बहुत हो रही है, छत तप गई है, कितने लोग मर गए हैं। अब आपके पास साधन नहीं है, क्या करेंगे? विघन है ये भी, है या नहीं? विघन हुआ बहुतों को, कष्ट हुए बहुत, इलेक्शन में बहुत लोग वोट देने इसलिए तो नहीं आए, धूप ही तेज थी, वहां कौन खड़ा होगा एक घंटा, घंटों खड़ा होना पड़ता है। तो गर्मी बहुत बड़ी या सर्दी बहुत हो जाए, अब सर्दी हो रही हो, ठंडी हवा चल रही हो, किसी को तो फटाफट बीमारियां पकड़ लेती हैं, कोई पावरफुल होगा तो आनंद लेगा। हम जितने पावरफुल बनेंगे हमें विघ्न विघ्न लगेंगे ही नहीं, इसलिए अपने को पावरफुल बनाना है। वो आप जानते हैं कैसे बनाना है, हम थोड़ी चर्चा भी कर लेंगे। विघ्नों के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा हो, थोड़ा अपने चिंतन को संभालेंगे। होता क्या मनुष्य के साथ, कोई विघ्न आ गया तो उसके बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं। आगे बोलो, कि समाधान सोचने का मौका ही नहीं मिलता। आप ये आदत डालें अपनी, ये हो रहा है क्या करूं, अब रास्ता ढूंढो। मनुष्य की आदत है रास्ता ढूंढना, कहीं गड़बड़ हो गई वो रास्ता ढूंढता है अपना, कूद के निकल जाऊं दीवार, आवाज दूं, किसी को फोन करूं, रास्ता ढूंढता है मनुष्य, उसके पास ये कला है। लेकिन कभी कभी समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचते सोचते हम रास्ते के बारे में सोचना भूल जाते हैं। आदत डालेंगे आप अपनी, मान लो मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, आपके घर में किचन में गैस जलाने के लिए लाइटर आपको मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहां चला गया, आज कहां रख दिया बच्चों ने। अब आप क्या करेंगे, परेशान होते रहेंगे या माचिस से जला देंगे? फट से हो जाएगा ना। हमारे यहां ऐसा हुआ, चाय बनाए थे, एक जो गैस का बर्नर था कुछ हो गया था, लाइटर से जल ही नहीं रहा, कहीं लाइटर खराब हो गया, क्या हुआ, ये हुआ। वहीं एक पास कागज पड़ा था, दूसरा जला हुआ था, मैंने उससे लगा के उसमें लगा दिया और खून खुश हो गए, तो बड़ा सहज काम हो गया। हो गया या नहीं, कठिन था क्या ये काम? लेकिन भूल जाते हैं समस्याओं के समय समाधान क्या है, ये भूल जाते हैं। समस्या आई तो बाबा भी तो हमें कुछ मदद करेगा। हम अपने ज्ञान की बातों को याद करें, हम बाबा की उन बातों को याद करें जो बाबा ने समस्याओं के बारे में, विघ्नों के बारे में आज तक बताया है। ये बातें सभी को नोट करके रखनी चाहिए अपने पास, मुरलियों में हैं सब, हमने उसी के आधार पे तो समाधान प्रोग्राम चलाया था ना, जो बाबा ने बहुत सारी बातें हमें बताई हैं। एक से शुरुआत कर रहा हूं मैं, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। देखो तो हमारा टाइटल है ना, क्या है हमारा टाइटल, मास्टर सर्वशक्तिवान, और हम सब इसको याद भी करते हैं, लेकिन परिस्थितियों के समय भी इसको याद कर लें। मैं आज का छोटा सा अनुभव आपको बताना चाहता हूं अपना।
ऐसे ही दूसरी पॉइंट है, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं वे संकल्प से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैं सो के उठा तो इधर कमर में नीचे बहुत पेन, शायद हवा के वो पंखे की हवा से हो गया हो, कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आया। इस हाथ में इधर सर्वाइकल बोलते हैं बहुत पेन, ठीक है पेन तो होता रहता है, मैं ज्यादा सोचता नहीं उसके बारे में। जब स्नान करने गया तो मुझे ये बात याद आई, मैं थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, टांगे आगे पीछे के ठीक हो जाए पर हो नहीं रहा था, मुझे बाबा की ये बात याद आई। और ये भी याद आया, तुम ही तो सुनाते हो सबको, तुम भूल गए आज, मैं मास्टर सर शक्तिमान हूं और संकल्प से ही सब कुछ करना है। तो मैंने वही अभ्यास शुरू किया, 5-7 बार करके मैं मास्टर सर शक्तिमान हूं और संकल्प किया मेरा ये दर्द अब 4-5 मिनट में समाप्त हो जाए। और मुझे प्रयोग भी करना था कि देखो होता है, सचमुच हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि पावर तो तुम्हारे पास है, कभी कभी भूल जाते हैं हम अपने अपनी शक्तियों को। तो ये अनुभव हमें काम आते हैं ना, हमारी बाबा की उन बातों को पक्का कराते हैं कि इस तरह तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो हम विघ्नों के समय बाबा की बहुत सारी बातों को यूज करना शुरू करें, उसमें विशेष रूप से मास्टर सर्व शक्तिवान और जो गीत में बजा धीरज धर। बीमारियां भी आ गई तो हम इतने परेशान न हो जाएं। अब देखो कई योगी परीक्षाएं होती हैं, कैंसर हो गया, पैसा है नहीं, कितनी बड़ी समस्या, पैसा है नहीं, अब बेचारे क्या करेंगे। ऐसे में बाबा की शक्तियों को यूज करना। एक बहुत हंसी कहानी सुना रहा था कल में कि गरीब व्यक्ति को कुछ हार्ट में गड़बड़ हुई, वो गया हॉस्पिटल, डॉक्टर ने कहा भाई 2.5 लाख रुपए लगेंगे, घटना सच्ची है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो गरीब हैं। फिर किसी दूसरे के पास गए, हाँ नहीं उसके ही पास कुछ और लोग आए, उसके भाई डॉक्टर साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं, हम तो साधारण लोग हैं, हमने तो कभी 1 लाख रुपए देखे नहीं। कहा अच्छा 1.25 लाख तो दे देना। कहा डॉक्टर साहब हमने तो 1.25 लाख कभी देखे ही नहीं जिंदगी में, हम तो छोटा छोटा काम करके परिवार की पालना करते हैं। कहा अच्छा 10,000 दे दो ना। देखो डॉक्टर भी क्या कर रहा है, उसने कहा मेरे पास तो 10,000 भी नहीं है। तो कहा इसे ले जाओ, इसको हार्ट अटैक होगा ही नहीं, इतना आशा है उसने कि होगा ही नहीं, जाओ ले जाओ इसे घर। तो गरीबों का रक्षक भगवान हुआ ही नहीं उसको, सचमुच नहीं हुआ। तो हम घबराएंगे नहीं, धीरज धरेंगे, मार्ग निकालेंगे, नहीं तो ये परिस्थिति बहुतों को आ रही है। भयानक बीमारी हो गई, अब पैसा सबके पास थोड़ा लाखों में होता है, दिक्कत हो जाती है। पढ़ने वालों को भी होती है, कल एक केस था, लड़की बहुत होशियार, 90% आए, इंजीनियरिंग में जाना है, उसको भी यही कहा भाई 3-3.5 लाख तो लगेगा। फिर हमारा एक है व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैंने उससे बात की कि भाई अपने कॉलेज में इसको एडमिशन दिला दो, देखो कितने में काम हो सकता है। कहा कम से कम 1.25 लाख में हम करा देंगे इसका। फिर मैंने कहा ये गरीब है बेचारे, इसका जो पिता है वो मिलिट्री में है, पुलिस में है, केवल इनके पास इतना पैसा नहीं है। कहा तो ऐसा करते हैं, इसको आप मेरे पास भेजो और हम इसको स्कॉलरशिप दिला देंगे क्योंकि 90% है। तो देखो रास्ता निकल गया ना,
बहुत दुखी हो रहे थे बेचारे, परेशान थे, क्या करें क्या करें। लड़की होशियार है, इंजीनियर बनने की बहुत इच्छा है, बनाना भी है, तो रास्ता निकलता है। हम समाधान में एक उदाहरण देते थे, ताला कितना भी बड़ा लगा हो चाबी तो उसके होगी ही। ऐसा तो नहीं होगा ना, ताला लगा भाई चाबी तो नहीं खुले कैसे, चाबी तो होगी ना। तो हम अपनी समस्याओं में परेशान नहीं होंगे। बहुत अच्छा एक संकल्प कर ले आज, बाबा मेरे साथ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये संकल्प आप करें, संकल्प की शक्तियों के अनुभव करेंगे जीवन में। मैं ये बहुत बात सिखाई है सबको, मैंने भी सीखी हुई है, फिर सुन लें आप। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है, सुना सभी ने, और वो एनर्जी चारों ओर फैलती है। बहुत ध्यान से सुन लेंगे, ये एनर्जी प्रकृति में जाकर दोनों का रिएक्शन होता है, मिलने लगती है। रिएक्शन माता है समझ लें बहुत सहज, आपने पानी में चीनी डाल दी, मीठा हो गया ना, रिएक्शन हुआ दोनों का। नींबू डाल दिया, खट्टा सा हो गया, टेस्टी शिकंजी बन गई, तीनों का रिएक्शन। कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि तीन चीज मिलाने से एक एक चीज अच्छी है, पर तीन चीज मिला दी वो नुकसानदायक हो जाएगी। तरबूज के ऊपर पानी पी लो, नुकसान करेगा फायदा, माता है तो जानती होंगे नुकसान कर देगा। फ्रूट के ऊपर पानी नहीं पिया जाता, पर पानी पीना अलग बहुत अच्छा, फ्रूट खाना अलग बहुत अच्छा। हम हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बहुत ध्यान से सुन ले सभी भाई, जो संकल्प हम बार बार करते हैं उससे वैसी ही एनर्जी पैदा होती है। वो पहले ब्रेन को जाती है, फिर बाहर फैलती है, प्रकृति के साथ घुल मिलती है, रिएक्शन होता है, और वही चीजें प्रकृति बना के वापिस कर देती है। इस सिद्धांत को जानते हुए सभी हमेशा संकल्प किया करें, आदत बना ले अपनी, मेरे साथ स्वयं भगवान है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आदत डालो। माताओं को ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि ज्यादा सोचती है माताएं, क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बच्चे को ये हो गया, पता नहीं क्या होगा। ये पता नहीं बहुत खराब शब्द है, होगा वही, बोलो, जो होना है, जो हम निश्चित करेंगे। बाबा भी तो हमारे साथ है, बाबा पे छोड़ दो, जो बाबा करेगा वही हो जाएगा। और पावर रहेगी संकल्प में। हम ये कहेंगे जो होने वाला है हो जाएगा, तो थोड़ा घबराहट भी होगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन हाथ में बाबा के दे दो, जो बाबा आप करो वो अच्छा हो जाएगा। तो बाबा की शक्तियां भी हमारे साथ काम करने लगेगी। किसी के पास कोई विशेष विघ्न आ गया हो, आते हैं, तो क्या करेंगे? आजकल कुछ विघ्न दूसरे ढंग के भी चल रहे हैं। बाबा ने बहुत पहले एक मुरली में बताया था, अंतिम समय में 8 प्रकार की समस्याएं आएंगी, उसमें एक समस्या भटकती आत्माओं के प्रकोप, जो बहुत चल गया है, किसी में भी आके एक नया रॉयल समस्या आ रही, रॉयल बाबा आ गया, और माताएं तो चल देती, अरे बाबा आ गया, बाबा आ गया, मजा आ गया, बाबा आ गया। माताएं फटाफट भाग ले, बाबा शब्द ही ऐसा है ना हमारे लिए, दिल्ली में भी कोई बाबा आ रहा, मैं ब्रह्मा बाबाओं की आत्मा हूं, उसे पता ही नहीं कि ब्रह्मा जो संपूर्ण हो गए उनका जन्म ही नहीं हुआ,
होगा ही नहीं, हुआ ही नहीं, कर्मातीत आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता। ब्रह्मा में कितनी दिव्यता और लाइट माइट थी, उसके चेहरे पे तो कुछ भी नहीं है। तो ये आत्माएं काम करा रही है, विघन डाल रही है। दूसरे भी आ रहे हैं, आपने सुना ही होगा, तीसरा रथ कहते हैं, उसमें भी आत्माएं आती हैं। अब नई बात सुन रहे, कल मुझे कोई सुना रहा था, मैं नीचे गया कि रात को वो बहुत चिल्लाती है, पड़ोसी भी कहते क्या हो रहा तुम्हारे घर में, वो आत्माओं ने ही पकड़ा हुआ उसको, अपने को बाबा कह दिया और भटका दिया। बहुत ब्राह्मणों को भी बाबा आता है, तीसरा रथ ले लिया है। अब नई बात कहने लगी, देवकी मैया नाम रखा उसका, देवकी मैया अब श्री कृष्ण को जन्म देगी। खुद बहुत काली है, मैंने कहा कृष्ण भी काला ही होगा, वही जो कहते हैं, और सुन रहे हैं पता नहीं राइट है या नहीं, कि किसी से शादी भी कर ली है उसने, कि इसके द्वारा श्री कृष्ण का जन्म होगा। भटकने वाले भटक रहे कि श्री कृष्ण देखने मिलेगा। तो ये भिन्न भिन्न बातें ये भटकती आत्माएं करा रही हैं, भटका रही हैं दूसरों को। इसलिए माताओं को खास मैं सावधान कर देता हूँ, बाबा नाम सुनते ही चल देती है माताएं, अरे सस्ते में भगवान मिल रहा है, पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, मधुबन बाबा से मिलने जाते हैं, बहनें इतना पैसा लेती हैं, वहाँ फ्री मिल रहा है भगवान, और किसी के भी घर में बुला लेते हैं भगवान को, आज यहाँ वहाँ, भगवान का पता ही नहीं उन्हें भगवान होता क्या है। वो हाईएस्ट अथॉरिटी, वो जहाँ तहाँ नहीं आता, किसी के भी पैसे वाले घर में चले गए वहाँ नहीं आता, वो इम्प्योर लोगों के घर में नहीं आता, वो बिना धारणाएं वाले ही मिल रहे हैं, प्रभु जी से मिलने चल दिए, नहीं मिलता वो। तो भटकना नहीं है, ये विघन चलेंगे और बढ़ेंगे, कई बाबा आएंगे। माताएं देखते हैं आजकल, ये सब माया है ना मोबाइल, फलन जगह बाबा आ रहा, देख तो आऊं, कभी आ ही रहा हो। तो इन चक्करों में जो गया वो गया, क्या गया, उनको बाबा की मदद नहीं मिलेगी। जैसे आज बाबा ने कहा, बहुत गहरी बात थी, आज था या कल था, जो ये सोचते हैं हम शिव बाबा को देते हैं, कल था, देने के बाद संकल्प आया कि मैंने दिया, बहुत गहरी बात थी मुरली में, बहुतों ने कैच नहीं की होगी, उनकी ताकत कम हो जाती है। एक छोटी सी लाइन में कितने बड़े राज बता दिए हैं। तो हम अपने जीवन को निर्विघन रखना भी सीखें। विघन अपने स्वभाव के कारण भी आते हैं, विघन अपने पाप कर्मों के कारण भी आते हैं। आप सोच लो, भाई बहने सब ग्रस्त में रहने वाले बहुत बैठे, जिस घर में क्रोध बहुत होता हो, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, जिस घर में निगेटिव वाइब्रेशंस बहुत रहते हो, उस घर में विघन आएंगे या नहीं, बने बनाए काम भी बिगड़ जाएंगे। कहावत है, एक भारत में कहावत है, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, ईर्ष्या द्वेष रहती है, वहां से लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां सुख शांति खुशी प्रेम है। तो अपने घरों को आप ऐसा बनाएंगे, ऐसे वाइब्रेशंस पैदा करें अपने घरों में कि वहां ये बाहरी विघन आए ही नहीं, आए तो जल्दी समाधान हो जाए, नहीं तो विघन कईयों को नष्ट कर रहे हैं। फिर बाबा से भी छूट जाती आत्माएं, संशय आता है, बाबा का बन गए फिर भी विघन आ रहे हैं, छोड़ दो बाबा को, कईयों के ये कमजोर संकल्प है। ये भूल जाते हैं कि ये विघन किसके कारण है, हैं? हमारे कर्मों के खाते के कारण है। बाबा थोड़ी विघन पैदा करता है, बाबा तो मदद करेगा,
लेकिन जब बाबा मिशन से आ जाएगा फिर सवेरे उठेंगे 8 बजे। क्यों उठ रहे हैं? भाई जी समस्याएं बहुत हैं, उठा ही नहीं जाता, मुरली छोड़ देंगे तो बल कहां से मिलेगा? सवेरे उठो, तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। सवेरे उठो, बाबा टच करेगा, इस समस्या का समाधान ये है। सवेरे उठो, बाबा अपनी करंट देगा, हमें ताकत देगा ताकि हम समस्याओं को समाप्त कर सके। तो अपने जीवन को निर्विघ्न बनाना भी सीखना है। बातें आएंगी चली जाएंगी, हर बात को विघ्न मानना नहीं है। कलयुग के अंत में बहुत कुछ आता है चला जाता है, जाने दो, समाधान हमारे पास है क्योंकि भगवान हमारा साथी है। ऐसे सुंदर संकल्प रखेंगे तो विघ्न आएंगे और चले जाएंगे। ओम शांति।